और मैंने जो फॉरवर्ड किया था वो मैंने ऐसे किसी लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया था जिनको ये हो कि भाई ये अंदर इसके अंदर कोई बुराई हो रही है। गुजारिश करेंगे महाराष्ट्र सरकार से भी कि इस पे एक्शन होना चाहिए, एकदम क्विक और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कदाचित उनके साथ में इनके घर पे 200 से 300 लोग आए थे जो कि मुसलमान संप्रदाय से हैं। उन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, इनकी गाड़ी को तोड़ा और तमाम तरीके का उन्होंने वारदात किया है। मैं पूरे अपने यहाँ के हिंदू समाज को आह्वान करता हूँ कि अभी इस समय अपने वकील जी के साथ में आए महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पश्चिम में व्हाट्सएप मैसेज पर हुए विवाद में वसई के वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल अध्यक्ष पीएन ओझा पर वसई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वसई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीएन ओझा वही वकील हैं जो पालघर साधुओं की हत्या मामले में वकील हैं और मामला देख रहे हैं। आरोप है कि वकील पीएन ओझा द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज से दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मामले में बदलते घटनाक्रम के बीच वकील पीएन ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पुलिस 30 तारीख को ही ढूंढ रही थी और उसके लिए पुलिस के लोग हमारे ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। हमारा जो हरे कृष्णा का फ्लैट है साइन नगर में, उस फ्लैट में चक्कर लगा रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, मैं अहमदाबाद में था, उससे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हमारे जूनियर एडवोकेट बताए पुलिस आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि किस बात के लिए आई थी, क्यों आई थी। आने के बाद FIR के बारे में मालूम पड़ा, FIR की कॉपी हमने निकाली। FIR की कॉपी निकालने के बाद हमारे सारे वकील साथियों ने FIR की अपना एडिसबिलिटी बेल की एप्लीकेशन तैयार की। एडिसबिलिटी बेल मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब ये बात खत्म हो गई है। लेकिन किसी ने कंप्लेंट की थी, वो कंप्लेंट के अंदर कोई सब्सटेंस रहा हुआ, कोर्ट ने उसको माना या नहीं माना वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन कोर्ट ने हमको बेल दे दिया तो अभी मामला शांत हो गया। लेकिन उसके बाद मैं जब घर पे आ गया रात को, खाना खाने के बाद सो भी गया, तब रात को 12:15 के करीब हमारे घर के ऊपर पथराव होता है और पत्थर से पूरे, अभी ये आप देखेंगे जो छपरे लगे हुए हैं उस पर पत्थर पड़े हुए हैं, और वो लोग इस पर पत्थर मारने के पहले हमारे दरवाजे से उधर घुसने की कोशिश किए और उन्होंने हमारी कार को पूरा तोड़ दिया। कार को तोड़ने के बाद वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे हमारे लोग जगने की वजह से वो भागे बाहर, और बाहर जा कर के फिर उन्होंने वहाँ से पत्थर चलाने शुरू कर दिए। और उसी समय आपके जो रात को पुलिस पेट्रोलिंग में रहती है, वो पेट्रोलिंग के सुबह से साहब यहाँ से निकल रहे थे कार अपने जीप से, उनके आने के बाद वो जरा उनकी कार सुनी, फिर वो लोग जगह से हटे और यहाँ से फिर अपनी ताकत बढ़ाते हुए और 250-300 आदमी जो आगे जाके पुलिस स्टेशन पे 400 करीब लोग थे ऐसा मुझे मालूम पड़ा, जो लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके घेराव किया, पुलिस स्टेशन में जाके बोलना शुरू किया। अब ये बात के लिए जब बात मालूम पड़ी कि भाई ये क्या बात थी, तो ये बेल एप्लीकेशन पे फाइल करने के टाइम पे मुझे कि भाई आपने कोई मैसेज भेजी थी और उस मैसेज की वजह से ये सारा हादसा हुआ है, और उस मैसेज के अंदर क्या था, मैसेज के अंदर ये था कि रमजान क्यों मनाते, और उसके ऊपर से ये बात सारी हुई। अब ये बेल होने के बाद हमने लगा कि भाई अब सब मामला शांत हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन रात को जब हमारे घर में पत्थरबाजी की है और ये हमारे घर पे चढ़ के आके हमको मारने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे हालत के अंदर जब पुलिस आ गई तो रात को 2:30 बजे तक पुलिस आना जाना सब लगा रहा, और सवेरे के करीब हम लोग को 1-1.5 घंटे सोने को मिला होगा। हमारे पुलिस ऑफिसर जितने थे यहाँ पर, और वसई के अंदर उस दिन पुलिस भी नहीं थी, सारी पुलिस मणिपुर में थी, पुलिस को इनको इकट्ठा करना पड़ा। फिर यहाँ 25-30 ऑफिसर इकट्ठे हुए, सब कुछ होने के बाद 2:30-3 बजे रात तक ये काम चलता रहा। पुलिस ने हमको पूरा सहयोग किया, पुलिस काम कर रही है, लेकिन ये हादसा जो है ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कई लोगों ने मिलकर के, और फिर ये जो मैसेज की बात हो रही है, ये मैसेज तो हमने 5 आदमी को भेजा था और 5 वकीलों को भेजा था। कल्लन खां तो कोई वकील नहीं है, कल्लन खां को वो मैसेज किसने भेजा?
और कलर खाने का मैसेज पड़ा, और जो आदमी पुलिस में कंप्लेन लिखवा रहा था उसने कल्लन झा को पार्टी क्यों नहीं बनाया, अपना कल्लन झा को भेजने मैसेज भेजने वाले को पार्टी क्यों नहीं बनाया, उसका भी नहीं हमारा चाहिए था, वो भी एक एक्यूज है। लेकिन ये इतने तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके ये मैटर को बनाया गया कि इसके अंदर इनके साथ में विक्टिमाइजेशन कर दिया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे दो दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाए, और ये दो कम्युनिटीज में झगड़ा खड़ा करने का एक अच्छा तरीका इन्होंने हुआ। जबकि ये मैसेज जो मैसेज की बात हो रही है, पुलिस खुद बोलती है कि 10 साल से ये घूम रहा है, अगर 10 साल से ये मैसेज घूम रहा है तो पुलिस की जवाबदारी थी इसको ढूंढा, आज तक नहीं ढूंढा, और न उस मैसेज के अंदर जो बात लिखी हुई उसको कंडम करने के लिए उसको बोलने के लिए कोई उस कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल आदमी आज तक आ गया है, उसको कंडम करना चाहिए था तो सबको मालूम पड़ जाता, पेपर में दे देता, मालूम पड़ जाता, न्यूज में देता, मालूम पड़ जाता। लेकिन इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की, इसका मतलब जानबूझ करके समाज को लड़ाना, समाज के अंदर जो है बुराई कायम करना और एक दो ग्रुप तैयार करना, उनको लड़ा देना, एक एक कैलकुलेटेड मूव है, और उस कैलकुलेटेड मूव के अंदर ये सारी चीजें की गई है। जिसके तहत मेरी पुलिस से यही गुजारिश है, रात को जितने लोग आए थे उनके सबके नाम साथ सारी चीजें डिटेल आपके पास होते हुए उनके सबके ऊपर केस किया जाए, उसको सबके ऊपर सबको अरेस्ट किया जाए, और ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं इनको और एग्रीमेंट किया जाए जिससे कि हमको इसके अंदर न्याय मिल सके और जो गुनाहगार है उनको। सर जो भी हुआ है ओझा जी, इसमें कानून और संविधान के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, जो एक्टिविटी हुई है या की गई है उसमें उसके बारे में बताइए। संविधान के हिसाब से बेल होने तक मामला खत्म हो चुका है जी, उसके बाद किसी को भी कानून हाथ पे लेने का अधिकार नहीं था जी। तो क्या उन पे कोई कार्रवाई हो रही है, हुई ये, है? ये, ये, ये आपकी बात को मैं भी समर्थन करता हूँ, ये घटना अगर रात में हुई है और ये रात उसका मैं भी और ये रात की घटना जो हुई है वो लोगों ने जिनको कानून हाथ पे लिया और ये काम किया है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं और कानून उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। ये मेरी डिमांड। कितने लोग ये रात को हमारे घर पे पत्थरबाजी हुई, जहाँ पे लोग हमारे घर में घुसने की कोशिश की है, हमको जान से मारने की कोशिश की, ये सारी बातें हुई है, हमारी गाड़ी तोड़ी है, हमारे पत्थराव किया है, सब हुआ है। सर उस मैसेज को लेके आपको दोषी बनाया जा रहा है, दोषी बनाया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी सही मान एक तरीके से सही मान लेते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये मैसेज जो आपने फॉरवर्ड किया उसके बाद जो एक अलग रूप दिया गया उसको वो सही था? मैसेज फॉरवर्ड करने से लेके मेरी बेल होने तक वो मैटर सब्जाइज हो गया जी, अब उसका फैसला कोर्ट करेगा। सर जैसा कि आपने पांच मैसेज गलत थी सही थी क्या था वो मैसेज कोर्ट डिसाइड करेगा जी, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ है वो कानून हाथ में लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं थी और किसी को अधिकार नहीं। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किससे क्या कहना है आपको बताइए? हमारा ये कहना है कि भाई जो प्रशासन है वो प्रशासन रात की घटना के अंदर जो लोग शामिल थे और जो उनके पास नाम है, जो कुछ उनके पास फोटोग्राफ है, उसके ऊपर उन सारे आरोपियों के ऊपर एक्शन हो और हमारे सेक्शन जो है उनके जो लगाए हैं इन्होंने उसके अंदर भी सुधार करके 307 केस लगाए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वसई पश्चिम स्थित अपने घर पर लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए वकील पीएन ओझा ने सारा घटनाक्रम बताया और इसके बाद उन्होंने वह घटना बताई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वकील पीएन ओझा ने बताया कि उनके ऊपर मामला दर्ज होने के बाद उसी रात करीब 100 से 150 लोगों ने उनके घर पर हमला किया और दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी और इस मौके पर बिल्डिंग के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। आगे क्या हुआ वीडियो में देखिए। Thank you.
Thank you.